ये देखो ये हेलीकॉप्टर कोई चलाना चाहते हो तो आ जाओ। गुड मॉर्निंग फ्रॉम डायवन हार्बर। अपना घर से 60 किलोमीटर दूर है और अभी वी आर गोइंग टू बोक्खाली। वी आर मतलब कौन है, कौन शख्स है दिखाते आप लोग मिट्टू भाई। तो आज है 25 दिसंबर, मेरी क्रिसमस टू यू ऑल। तो आप लोग जब ये वीडियो देख रहे हो तो आप 25 दिसंबर से कुछ दिन बाद देख रहे होंगे, फिर भी विश कर सकते हैं 2-4 दिन बाद। तो अभी चाय चल रहा है, अभी ऑर्डर किए हैं, मैगी आ रहा है, खाएंगे इधर से। और ये जर्नी शुरू हो चुका है 1 से 1.5 घंटा पहले। मैंने सोचा एक अच्छा सा स्पॉट देख के थोड़ा अलग तरीके, डेली तो मोटो ब्लॉगिंग सेटअप से व्लॉग शुरू करते हैं, आज सोचे थोड़ा डिफरेंट करते हैं, इसीलिए कोई नया लोकेशन पे व्लॉग शूट किया गया है। तो लोकेशन बहुत ही बढ़िया है, कैसा लोकेशन है दिखाते हैं मेरे बैकग्राउंड में। तो ये समुंदर है या नदी है मेरे को नहीं पता, लेकिन किनारा दिखाई नहीं दे रहा है तो मेरे को लगता है समुंदर है नदी मिला। अच्छा अच्छा, मतलब समुंदर और नदी जहाँ मिलते हैं ना उसे बहुत बड़ा हो जाता है तो इसीलिए किनारा दिखाई नहीं देता है, लेकिन ये प्रॉपर समुंदर है नहीं। तो हम लोग अभी जहाँ जा रहे हैं वो प्रॉपर समुंदर होगा ना? नहीं, हम लोग जहाँ जा रहे हैं पूरा प्रॉपर होगा ना? तो नाम अभी नहीं बता रहे, कुछ देर बाद बता रहे, चलते चलते। और मैं क्या लेके आया हूँ आप लोगों को दिखाते हैं थोड़ी देर। भूसा नहीं लाया और अपना 220 भी नहीं लाए, साइन भी नहीं लाए। कमेंट करो जल्दी से क्या लेके आए, अगर पता चल गया तो सही है, नहीं तो दिखा देते कुछ ही देर। तो अभी शुरू करते हैं मोटो व्लॉगिंग। और फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार मेरा सेटअप देख लो, आई होप आप लोगों को दिखाई दे रहा है। ये है कैमरा सेटअप, कुछ चेंजेस लग रहा है। मेरा जो रेगुलर भाई लोग है, जो मेरा रेगुलर फॉलो करते हैं एंड सब कुछ नोटिस करते हैं जो भाई लोग है, देख के शायद पता चल गया होगा भाई लोगों को क्या चेंजेस है मेरा मोटो व्लॉगिंग सेटअप में। चेंजेस यही है हम बता दे रहे हैं, जो कि मेरा जो माइक था वो जो उसका वायर था बहुत ही लंबा वायर था, तो एक बहुत ही सस्ता वाला माइक मिला है। मैंने रिव्यू देखा है इसका कि बहुत ही अच्छा रिव्यू है, हर कोई भाई लोग मतलब वीडियो देखे बहुत भाई लोगों का तो सभी रिव्यू बहुत अच्छा दिया है। एक भाई तो देखे पूरा इसके साथ, मतलब अपना रोड का जो माइक आता है उसके साथ कंपैरिजन वीडियो डाला है, ऑलमोस्ट सेम परफॉर्म कर रहा है। अब देखते हैं साउंड कैसा आता है, आई होप कि साउंड सही से आए तो मेरा ये माइक का जो मगजमारी है वो ख़त्म हो जाएगा, बहुत ही टेंशन फ्री हो जाएंगे। अगर ये भी सही नहीं हुआ तो फिर मेरे को वो लंबा तार वाला डालना पड़ेगा, क्या पता। आई होप कि साउंड क्वालिटी ठीक आ रहा। अरे बाप रे भाई, तो फुल जोश में आ गया। मतलब 15-20 मिनट पीछे से ही ये सामने जो भाई जा रहा है बाइक पे, दो बंदा बैठा है, ये भाई फुल जोश में चला रहा है, मतलब ओवरटेक करने के लिए किसी को भी फुल एनर्जी। एंड अभी देख रहे हो आप लोग इसे खींचेगा, देखो सीन खाली मिलते ही खींच रहा है एकदम, मतलब फुल जोश में भाई, जोश में रहो लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस मत हो जाओ, जो भी हो थोड़ा सावधानी में चलना चाहिए, खुद को भी मतलब खुद के लिए भी एंड दूसरों के लिए भी। ये देखो भाई भाई भाई, किस चीज़ के लिए इतना जोश में मेरे को पता नहीं। और ये हम बाइक चला रहे हैं रॉयल एनफील्ड मीटियर 350, जो कि हाल ही में लॉन्च हुआ है, ज़्यादा दिन हुआ नहीं है। बहुत ही मज़ेदार बाइक है ये बाइक, मैं लास्ट
वन वीक से चला रहे हैं और क्या स्मूथ भागती है यार, बहुत स्मूथ है, ब्रेकिंग तो एकदम ज़बरदस्त है, कंफर्ट लेवल बहुत ही अच्छा है। और मैं लास्ट 60-70 किलोमीटर से पीछे बिट्टू भाई को बैठा के रखे, मतलब पिलियन में बिट्टू भाई है, तो आप लोग बिट्टू भाई को देखे ही होंगे कैमरा में, भाई बहुत हैवी है, तो इतना हैवी बंदे को लेके भी कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। बहुत ही मज़ेदार बाइक है, बहुत ही कंफर्ट बाइक है, और बाइक का लुक्स ऑल ओवर क्या क्या है बाइक में आपको अपना डेस्टिनेशन में पहुंच के दिखाते हैं। और ये सामने विंडशील्ड की वजह से बहुत ही आराम मिल रहा है क्योंकि विंड ब्लास्ट ज़्यादा आ नहीं रहा है। बहुत ही अच्छा बाइक है, बहुत ही कम्फर्ट, लॉन्ग के लिए तो परफेक्ट है एकदम। तो ये हम आ गए बीच पे, गोवा वाले बीच पे तो नहीं जा पाए, बखाली वाले बीच पे आ गए हैं। बढ़िया व्यू है, एक जगह रोकते सामने चल के देखते एक बार कि कैसा है लोकेशन, कैसा है उधर, अगर ऊपर जाया जाएगा तो बहुत बढ़िया होगा। फिर ड्रोन फ्लाई करना है मेरे को, ड्रोन, इसीलिए एक अच्छा सा लोकेशन देख रहे हैं। हम बिट्टू भाई को उतार दिए अभी बाइक से, हम बोले तुम पैदल आओ हम चलते हैं। अरे यार इधर बहुत ही बढ़िया व्यू है यार, सच्ची में बहुत ही खूबसूरत व्यू है इधर, लेकिन एक डर लग रहा है कि ये बालू सिर्फ बैठ ना जाए, तो मैं थोड़ा ऊपर से चलता हूँ। ओह माय गॉड, ये सीन तो बहुत ही अच्छा है। अरे री री री, ये थोड़ा सूखा है इसीलिए ऐसा हुआ, इधर ही रोकते हैं। बढ़िया, यस इधर स्टैंड कर देंगे। सो हम आ गए बीच पे, ये रहा पीछे पानी, और पानी चारों तरफ से पानी, और ये बोर्ड दिखाई दे रहा है। हाँ भाई थोड़ा व्लॉग कर ले उसके बाद पिक्चर उठाएंगे। तो ये रहा सब बोट, ये इधर भी है, बहुत ही सारा बोट है, और ये बोट ही से मेरे को लगता है कि वो जो फिशिंग करता है इसी से सब जाता है। बहुत ही बड़ा बोट है, छोटा देखने में लग रहा है, लेकिन दूर से हम जब देख रहे थे तो छोटा ही लग रहा था, बट अभी बहुत बड़ा ही लग रहा है। तो इससे पहले गए थे, ये जो सी बीच गया है, ये सी बीच ज्वाइन होता है बखाली में, बखाली गए थे अभी, तो उधर बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो उतना भीड़ में मेरे को अच्छा नहीं लगता है, बीच वाला वाइब मेरे को नहीं मिलता है। तो बीच वाला जो मज़ा आता है, फील आता है, मतलब शांति वाला फील उधर नहीं आ रहा था, बहुत ही ज़्यादा भीड़ था। जैसे कि हम लोग दीघा में भीड़ होता है, इधर भी बहुत ही ज़्यादा भीड़ था। तो मैं बिट्टू भाई को बोला कि चलो कहीं खाली जगह में चलते, तो खाली जगह बोले तो दो भाई को पूछे, वो लोग सजेस्ट किया ये जगह, लेकिन जगह बहुत ही अल्टीमेट है, बहुत ही खूबसूरत है। बाइक वो रहा पीछे पार्क किया हुआ है, ये बाइक है, और अभी चलते हैं उधर कुछ फ़ोटो वगैरह लेते हैं, क्योंकि इतना अच्छा लोकेशन पे कैसे फ़ोटो छोड़ सकते हैं, तो फ़ोटो वगैरह लेते हैं, फिर उसके बाद बिट्टू भाई ड्रोन उड़ाते हैं। अरे यार क्या कर रहे हो तुम, वो अभी नहाने जाएगा। नहीं नहीं, अरे नहाना नहीं है यार। Every time we say goodbye, they all see that it's a lie. 'Cause we always give it one last try. Yeah, you've watched me break a thousand times. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. That's how it goes. Don't wanna know. I'm turning off my mind so I get by. I just wanna be happy, happy tonight. बहुत ज़्यादा है, और बिट्टू भाई पीछे खा रहा है, हम भी खाए, क्या क्या खाए हम लोग इधर, क्या क्या खाए बिट्टू भाई? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे क्या खाए बोले, बहुत बढ़िया। तो हम लोग केक खाए एंड कोल्ड ड्रिंक्स, और क्रिसमस का केक, कोल्ड ड्रिंक्स एंड चिप्स। तो इधर से थोड़ा दूर है,
मतलब होटल वगैरह जो है, तो मेरे को इधर से जाने का मन नहीं है, जाएंगे तो एक ही बार में निकल जाएंगे इधर से। तो इसीलिए बिट्टू भाई को बोला आप लेके आ जाओ, केक वेक लेके आए हम लोग, हल्का सा टिफिन किए इधर, और ड्रोन शॉट आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। मेरे को जो लगता है ये जो ड्रोन शॉट था मेरा, जितना ड्रोन शॉट लिए सबसे अच्छा ड्रोन शॉट आया है मेरा, मतलब परफेक्ट आया है। आई होप मेरे को जो लगता है आप लोगों को लगता है अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर से करना। इतना चच्चा कोशिश कर रहे हैं वीडियो बनाने का, तो आई होप आप लोग अच्छा लग रहा है ऐसा वीडियो, आप लोग अच्छा लगेगा और ऐसा वीडियो बनेगा और ऐसा बहुत ज़्यादा वीडियो बनेगा, जितना चाहिएगा वीडियो वैसा वीडियो आएगा। तो अभी ये हवा चल रही है बहुत ज़्यादा, मज़ा ले रहे हैं, साउंड आ रहा है मतलब जो लहर का, तो अच्छा लग रहा है। तो इसीलिए इधर ही हम लोग टाइम स्पेंड कर रहे हैं लास्ट एक घंटा से, और एक घंटा रुकेंगे फिर इधर से निकल जाएंगे। और अभी आता है ये बाइक के बारे में, तो बाइक में क्या क्या है और क्या क्या चीज़ें मैंने आने का टाइम बताया है। सो ये रहा बाइक का फुल लुक्स, बाइक सीरियसली यार बहुत ही मस्त है, 150 किलोमीटर हम चला लिए, 150-200 किलोमीटर, बहुत ही मस्त बाइक है। आप लोग फिनिशिंग देख ही सकते हो, एक वॉक अराउंड दे दिया मैंने, बहुत ही अच्छा है। और ये रहा केक हम लोग जो खा रहे थे, मीटियर 350, सीट जो है बहुत ही कंफर्ट है एंड बहुत ही नरम सीट है, दोनों सीट ही बहुत कंफर्ट है। बिट्टू भाई इतना टाइम आप पीछे बैठ के आए 100 किलोमीटर से ज्यादा, तो कैसे लगा पीछे बैठ के? सीट सही है, सीट सही है। और चला के मस्त पावर है, मतलब आगे वाला जो था थंडरबर्ड एंड जो बाकी क्लासिक है उससे फीलिंग है, वो गाड़ी में वाइब्रेशन नहीं, एकदम ही नहीं है, ये एकदम मतलब सही बात बोला कि भाई बाइक में लेके आया मस्त, इतना दूर आया एकदम मस्त, एकदम वाइब्रेशन नहीं है जैसे थंडरबर्ड 350 में है, और थंडरबर्ड में तो उतना ज्यादा वाइब्रेशन नहीं है, उससे भी ज्यादा कम है इसमें, उससे भी बहुत कम है वाइब्रेशन, एकदम लो है, एकदम लो वाइब्रेशन है। ब्रेक्स भी बहुत अच्छा है, ABS भी है इसमें। और आप लोगों को एक बार मीटर कंसोल दिखा देते हैं, ये आता है मीटर ऐसे कुछ, इसमें बुलेट विद गूगल, तो इसमें नेविगेशन दिखाई देता है, और ये सब स्पीड है, किलोमीटर है, ट्रिप है, एंड गियर शो करता है। और ये अभी ऐसा ABS का सिग्नल है, अभी ऑन नहीं हुआ इसीलिए, ABS भी है, बहुत ही बढ़िया बाइक है। सो अभी 213 हो गया, 215 होने वाला है, तो अभी निकलते इधर से, इधर को अरे चल ना रे मेरे भाई बैठ जा रहा, ओहो हो हो पूरा 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 स्कीट मारते हुए, अरे बाप रे पूरा बैठ जा रहा है बाइक, बहुत मजा है बाइक में। अभी क्यों जाता यार, पूरा कैसे स्कीट हो रहा है, थोड़ा मेरे को नीचे से जाना पड़ेगा क्योंकि इधर बहुत स्कीट हो रहा है बाइक, इधर सूखा है ना ऊपर, मच्छी सुखा रहा है, पूरा हाफ गए यार जगह, फिर से बैठ रहा है। अब ये रहा ऑफ रोडिंग, इसका सस्पेंशन भी बहुत अच्छा है, ये झटक से चलो निकल गया, इधर से फोटो वोटो खींच रहे हैं। थैंक्स टू रॉयल एनफील्ड जो मेरे को ये अपॉर्चुनिटी दिया है ये बाइक चलाने को, बहुत ही अच्छा लगा ये बाइक चला के, एंड मैंने थोड़ा बहुत मेरा जो एक्सपीरियंस हुआ है ये बाइक चला के मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, एंड जितना जितना मैंने फील किया है आप लोगों से शेयर किया। मैं कोई रिव्यूअर नहीं हूँ, फिर से बोल रहे हैं मैं कोई रिव्यूअर नहीं हूँ, जो एक्सपीरियंस मेरे को लगता है, जो एक्सपीरियंस होता है बाइक चला के, जो कुछ फील करते हैं आप लोगों को बताते हैं, अच्छा लगता है आप लोगों को, तो आप लोग ये बाइक ले सकते हो, बहुत ही अच्छी बाइक है। ये हेलीकॉप्टर कोई चलाना चाहते हो तो आ जाओ। और वो प्लेन भी है, जो चाहे मन ले जाना इधर से, ठीक है अब बोल दिए, अब जो चाहे आ जाना और लेके चला जाना इधर से, कोई दिक्कत नहीं है। सीरियस मत लेना, जोकिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो और ऐसा वीडियो अगर चाहते हो आप लोग तो ज़रूर से कमेंट करना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर से करके जाना, सब्सक्राइब करना मत भूलना यार, सब्सक्राइब ज़रूर से करना, और
मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छे से वीडियो में, टिल देन बी से बाय बाय। और हाँ, इंस्टाग्राम में ज़रूर से फॉलो कर लेना, हाँ, क्योंकि उधर भी बहुत अच्छा अच्छा पिक्चर्स फोटोज़ सब डालते रहते हैं, तो ज़रूर से फॉलो कर लेना।